एक्सरसाइज वन पार्ट वन सेक्शन ए, ए वन ए टू। यस सर, यस सर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ सीरीज हुज पीएच टर्म इज दिस। मतलब हमें ये गिवन है टीपी, तो क्या हम इसकी पहली टर्म नहीं निकाल सकते क्या? यस सर। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये क्या बन रही है यहाँ पे बताओ? एपी, एपी। एक एपी बन रही है, ये उसकी फर्स्ट टर्म है। मतलब ए इज इक्वल टू एक तरीके से क्या हो गया, 1/7, मतलब 15/7 हो गया, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, डी निकालो तो t2 - t1 करके, तो 1/7। तो इसमें फर्स्ट 35 टर्म्स का सम 35 by 2, यहाँ पे 2 into first term 15/7 plus 35 - 1 into 1/7, तो इस 1/7 को बाहर ले लो, ये 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 5/2, यहाँ पे बचेगा ये 30 plus 34। अब उसके बाद 5 into 64 divided by 2, that is 5 into 32, आंसर आ जाएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। ए थ्री, ए फोर, यस सर, ए फोर में हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू, मतलब एस पी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, और उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, पी बाय टू प्लस, मान लेते वो जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए है, तो 2a प्लस P माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस मान लेते D है, इज इक्वल टू क्यू आएगा, ठीक है। तो यहां से 2A प्लस P माइनस वन इंटू D इज इक्वल टू आ जाएगा 2Q/P, ये हो गया फर्स्ट। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स इज P, तो फर्स्ट Q टर्म्स का सम वो है यहाँ पे इसके इक्वल, P के इक्वल, तो यहाँ से 2A प्लस Q माइनस वन इंटू ये D है, 2P/Q आएगा, बोलो। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या हम A को एंड D को PQ के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्या, बोलो। अगर मान लो हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, जैसे इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 2Q/P - 2P/Q, तो यहां से हमें D मिल जाएगा, जब D निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 into P + Q/PQ, और ऐसे ही हमें मिलेगा A। एक बार A एंड D हमें मिल गया, और हमें क्या चाहिए था फिर, फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स का सम, तो A ये चाहिए था P + Q/2, 2 into A + P + Q - 1 into D, ये हमें चाहिए था, D हमें मिल चुका है, इसकी हेल्प से A निकालेंगे और इसको यहाँ पे पुट करके पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद A5, A6, यस सर, A6, यस सर। A6 में देखो क्या बोला गया है, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ इंटीजर एंट्रीज, विथ इंटीजर एंट्रीज इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ इट, देन प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टिंग सम, ठीक है। तो इसमें चार एपी के टर्म्स अगर हमें लेने हैं, तो हम क्या लेंगे, a-3d, a-d, a+d and a+3d, ये लेंगे, बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। अब उसके बाद बोला गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इनका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है, वहां पे फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस इसको ऐड करना है, और कॉमन डिफरेंस बोलना है यहाँ पे 2D, 2D,
और उसकी फोर्थ पावर को यहाँ पे ऐड करना है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस नाइन डी स्क्वायर, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 16d की पावर 4। इनको और मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर 4 माइनस 10 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 9 और ये 16 तो प्लस 25d की पावर 4 आ जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पे ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये इंटीजर्स है, ये जो एपी में है ये सारे इंटीजर्स है बोला गया क्वेश्चन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ इंटीजर इंट्रीज, और ये सारे अगर इंटीजर है तो ए एंड डी को भी इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है, ए एंड डी को भी इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक। तो ये ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो देख लो क्या ये एक इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है क्या जब हम फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस को एड करते हैं इसमें, तो देखो एक इंटीजर एंड उसका स्क्वायर हमें मिल रहा है, क्लियर है। डाउट है तो पूछ लो, इसमें लैंग्वेज को बस हमने डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, चार टर्म्स ये ले लिए, इंटीजर इंट्रीज है तो ए एंड डी को इंटीजर होना पड़ेगा। अब इनका जो प्रोडक्ट है चारों का उसमें फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है और हमें दिखाना है कि वो एक इंटीजर का स्क्वायर आता है, तो मल्टीप्लाई किया तो दिख गया कि वो एक इंटीजर का स्क्वायर ही आ रहा है। फिर उसके बाद ए सेवन, ठीक है सर, उसमें फर्स्ट A7 का फर्स्ट। और ऐसे क्वेश्चन को मान लो अगर तुम्हें करना है एग्जाम में ABCR इन AP तो ABC की जगह पे वैल्यूज ले लो 1, 2, 3 एंड देख लो, ठीक है। यस सर, क्योंकि अगर ABC AP में है तो ABC की कोई भी ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें वो AP में आ रहे हैं, वो जो फर्स्ट वाला है वो भी AP में ही आएगा किसी भी वैल्यूज के लिए, बस ABC AP में होने से इतना ध्यान रखना। एंड अगर इसको मेथड से करना है तो एक काम करो, ये ए स्क्वायर है तो एक ए को अंदर लेके चले जाओ, फिर उसके बाद एक बी को अंदर, तो इससे ये पता चलेगा कि क्या करना है। तो ये देखो ये हमें AP में प्रूव करने हैं, यहाँ पे AB प्लस BC, BC प्लस AC, एक मिनट, हाँ BC प्लस AC और कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, यहाँ पे AB सॉरी BC प्लस AB एंड यहाँ पे C इंटू AC प्लस BC आ रहा है, तो ये जो ABC है ये हमें पता है वो AP में है। एंड अगर इस तरीके की चीज हमें लानी है तो हमें अब ऐसे कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये आता हुआ दिखे, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है सर। हाँ फर्स्ट में वो AC है ना, BC आएगा, हाँ AC आएगा, सॉरी ये AB प्लस AC आएगा। अब इनको देखते हुए ABC तो चलो है, अब बाकी के जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है इसको देखते हुए है, हमें बस ये पता करना है कि ABC को किससे मल्टीप्लाई करने पे ये चीजें लाई जा सकती है, तो वो है AB प्लस BC प्लस CA, C को भी AB प्लस BC प्लस CA। अब इसमें से एक काम करो, AB एंड AC को रहने दो, BC को बाहर निकालो, AB एंड AC को रहने दिया, BC को बाहर निकाला और A को मल्टीप्लाई करते हुए तो ABC आ गया, यहाँ पे AB एंड BC को रहने दिया, CA को बाहर निकाला, BC मल्टीप्लाई करते हुए तो ABC बाहर, यहाँ पे BC एंड AC को अंदर रहने दिया तो बाहर निकाला तो ABC, देखो ABC ABC तीनों में एडेड है, तो तीनों में से अगर हम ABC को माइनस करेंगे तब भी AP की AP रहेगी, ये AP है, ये भी AP है, ये भी AP है, अब उसके बाद ABC को माइनस करेंगे तब भी AP ही रहेगी, तो देख लो जो हमें चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। यस सर, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है थोड़ी सी, इसे क्वेश्चन अगर मेथड से सॉल्व करना है तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया AP। फिर उसके बाद पार्ट टू, फर्स्ट A1, A2, A3, A4, A5,
यस सर ठीक है। ए फाइव में, ए फाइव में क्या बोला गया है, लेट सिक्स अरिथमेटिक मींस ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आर इंसर्टेड बिटवीन नेचुरल नंबर्स बी एंड ए, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, तो चलो ऐसे रख लेते हैं अभी, ए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड ये बी, ठीक है। अब ये जो रिलेशन गिवन है इसमें काम करते हैं, ए वन स्क्वायर माइनस ए सिक्स स्क्वायर को एक साथ ले लो, ठीक है, फिर उसके बाद ए फाइव स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर को एक साथ ले लो एंड ए थ्री स्क्वायर माइनस ए फोर स्क्वायर को एक साथ ले लिया, इससे क्या होगा, हमें ये जो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए वन माइनस ए सिक्स इंटू ए वन प्लस ए सिक्स मिलेगा, फिर उसके बाद ए फाइव माइनस ए टू इंटू ए फाइव प्लस ए टू एंड इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ए थ्री माइनस ए फोर एंड ए थ्री प्लस ए फोर, तो ये देखो ए वन प्लस ए सिक्स की जगह पे हम a प्लस बी लिख सकते हैं क्या प्रॉपर्टी से? यस सर। अभी कोई कुछ बोल रहा था बीच में, मतलब आवाज वगैरह क्लियर है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से क्या प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, एपी में होती है प्रॉपर्टी, तो ए वन प्लस ए सिक्स को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसे ही ए टू प्लस ए फाइव को ए प्लस बी लिख सकते हैं एंड ए थ्री प्लस ए फोर को लिख सकते हैं, तो ये देख लो ए वन प्लस ए सिक्स ए टू प्लस ए फाइव एंड ए थ्री प्लस ए फोर, इन तीनों की जगह पे ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, ए वन माइनस ए सिक्स प्लस ए टू माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर, ये मिलेगा, ठीक है। अब तुम बताओ ये ए वन माइनस ए टू किसके इक्वल रहेगा, ए वन माइनस ए टू माइनस कॉमन डिफरेंस के इक्वल रहेगा क्या, माइनस डी के इक्वल रहेगा, जैसे ये ए वन माइनस ए टू फिर उसके बाद ए थ्री माइनस ए फोर एंड ए फाइव माइनस ए सिक्स, तो ये माइनस डी कितनी बार आएगा, थ्री टाइम्स है ना, थ्री टाइम्स आएगा, तो ये माइनस डी, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये ए प्लस बी इंटू माइनस थ्री डी। अब हम डी की बात करते हैं, यहाँ पे डी निकाल लेते हैं, इसमें ए एंड बी कैसे इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से, तो डी इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए अपॉन सिक्स प्लस वन, सिक्स प्लस वन आएगा क्योंकि सिक्स ना ये एम्स इंसर्ट किए गए, ठीक है। अब कौन बड़ा ए एंड बी में, ए या बी, ए ए, तो बी माइनस पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, निगेटिव में भी कितना आएगा, वन आएगा, माइनस वन आएगा या कुछ और आएगा, माइनस वन आएगा क्योंकि ए एंड बी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसमें ए बी से बड़ा है, मतलब जैसे ए को हमने फोर लिया तो बी थ्री होगा, ए को फाइव लिया तो बी फोर होगा, इस तरीके से, तो बी माइनस ए हमेशा माइनस वन रहेगा एंड अपॉन में कितना है सेवन, तो डी की वैल्यू यहाँ पे दे देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी टू थ्री बाय सेवन। अब ये जो चीज है ये कैसी होनी चाहिए, प्राइम नंबर, ये सब हमने किया, ये किसके इक्वल होना चाहिए था, एक प्राइम नंबर के इक्वल होना चाहिए था, और इसकी हेल्प से हमें क्या मिला, ये मतलब ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ये देखो ए प्लस बी क्या सेवन होना चाहिए, यस सर ए प्लस बी सेवन, तभी तो ये प्राइम नंबर आ पाएगा पूरा, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए सेवन,
एंड ए बी से बड़ा है तो ए आ जाएगा फोर एंड बी कितना आ जाएगा थ्री। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अच्छा था वैसे, बस इसमें टर्म्स कौन से एक साथ लेने उसका जरूरत थी, बाद में तो दिख जाता है। डी डी आएगा और डी क्या होगा तो ये, और ध्यान ये रखना था वहां पे ए ग्रेटर देन बी है तो बी माइनस है माइनस वन आएगा। ठीक है, इसका भी डाउट था, क्लियर है? यस सर। योगिनी? यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब उसके बाद पार्ट थ्री, पार्ट थ्री सेक्शन है ए वन। यस सर। यस सर। एलआई। ठीक है, तो इसमें ए वन ए टू ए थ्री बी एन ए पी विथ ए सिक्स इज इक्वल टू टू देन कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी विच मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्ट। ठीक है, ए सिक्स मतलब इसमें फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, तो ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू टू है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये ए ए प्लस थ्री डी एंड ए प्लस फाइव डी, इनका प्रोडक्ट मैक्सी फोर डी सॉरी ए प्लस फोर डी, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए डी क्या होगा ये बताना है, तो हमें इस पूरे को डी के टर्म्स में लाना होगा, है कि नहीं? इस पूरे को हमें डी के टर्म्स में ले आना होगा, तो ये बताओ इस ए की जगह पे क्या लिखे? टू माइनस फाइव डी। टू माइनस फाइव डी, ठीक है, टू माइनस फाइव डी लिखे। फिर उसके बाद ये इसकी जगह पे क्या लिखे, टू माइनस टू डी, टू प्लस टू माइनस टू डी, है ना? ए की जगह पे, ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, टू माइनस फाइव डी, ये पुट करेंगे तो टू माइनस फाइव डी, टू माइनस टू डी एंड इसकी जगह पे टू माइनस डी आएगा, माइनस डी। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमाइज करना है, इसमें कुछ गलती लग रही है क्योंकि ये क्यूबिक है और डी में डी का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो ऊपर ही आएगी, और डी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। माइनस सबसे कॉमन ले लेते, अरे वो तो चलो है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमाइज करना है ना, तो एक तो तुम्हें वो डिफरेंशिएशन वाली मेथड आती होगी, आती है ना, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड मैक्सिमा और फिर निकालने की, मैं लेकिन दिक्कत है, गड़बड़ है इसमें। चलो वैसा मानना, मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं, मैक्सिमाइज करना है, ए सिक्स इज इक्वल टू टू है। ठीक है, सही आंसर क्या दिया उससे पता चल जाएगा। ए वन का वन पॉइंट सिक्स दिया हुआ है डी की वैल्यू विच मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्ट। इसमें या तो वो ए फाइव इज इक्वल टू टू होना चाहिए या ऐसे ही कुछ है, क्योंकि अगर ए फाइव इज इक्वल टू टू ले लिया, एक मिनट, तो टू ले लिया, ये प्लस फोर डी, तो ये टू माइनस डी, ये आ जाएगा यहाँ पे टू माइनस फाइव डी प्लस टू डी स्क्वेयर, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पे, ये तो नहीं है, चलो इसी को ये करते हैं, डिफरेंशिएट करो इसको। ठीक है, ये डी का फंक्शन आ गया, अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये टू, पहले इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा फोर माइनस फोर डी माइनस टेन डी, तो ये आ जाएगा माइनस
ये आ जाएगा 16D, ठीक है, एक मिनट, -4D - 10D, तो -14D, यहाँ पे आ जाएगा +10D2, तो ये 2 - D, ठीक है, ये 2 - D आ जाएगा। अब उसके बाद और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 - 4D - 28D + 14D² + 20D² - 10D³। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म 8 है, D का कोएफिशिएंट -4D माइनस, तो ये आ जाएगा -32D, डी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है 34D² -10D³। अब इसको करो डिफरेंशिएट, ये D का फंक्शन आ गया, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको Y ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करो या F ले लो, F of D ले लो, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो F-D ये आने वाला है -32 + 68D - 32 + 68D - 30D² यही आएगा। हाँ, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, -2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचा रहेगा 15D² -34D + 8, ये बचा रहेगा, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस सर। क्या आएंगे फैक्टर्स? 5D - 8 कितना? 5D - 8 3D - 2 सही है क्या? 15। हाँ सही है, सही, ये फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे F-D 0 कहाँ पे हो रहा है, एक तो D = 8/5 पे एंड D = 2/3 पे, ठीक है। अब इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो 2/3 यहाँ पे आएगा, 8/5 यहाँ पे आएगा एंड इसके इधर साइन आएगा प्लस या माइनस, सोच समझ के बताओ, यहाँ पे पूरे के इसमें माइनस से बाहर मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस एंड ये माइनस, तो मैक्सिमम किसके लिए हो रहा है, वो इसके लिए, तो D = 8/5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.6। वैसे ये गलत इसलिए है, मे बी ये बोनस हुआ होगा बाद में जाके, या तो क्योंकि जब इसका ग्राफ तुम बनाओगे ना, इस क्यूबिक का, ये जो ग्राफ बन रहा है इस क्यूबिक का, जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे ऊपर से शुरू होगा एंड ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, और ये जो 1.6 होगा वहां पे वो लोकल मैक्सिमा आ रहा होगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो एक्चुअल में कितनी है, क्या इन्फिनिटी जा रही है क्या? Yes, sir. हाँ बोलो, इसमें कुछ तो गड़बड़, इस वजह से शायद ये बोनस भी हो चुका है, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी विच मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट इंफिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, एपी में वगैरह है तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, तो एक तो चलो इस तरीके से आई गया 1.6 आंसर था, ठीक है, जा सकता है कि लेकिन इसमें A6 = 2 है, ओके, उसमें वो जाने के चांसेस भी कम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, हाँ वो देख लो, वो नहीं जा पाएगा वहां तक, जैसे ये ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट की कितनी जानी चाहिए, मतलब कितनी जाती हुई दिख रही है, इन्फिनिटी, लेकिन उसके लिए डी का कहाँ जाना जरूरी है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जब ऐसा ग्राफ बनेगा ये डी एक्सिस हो गया, तो डी जब माइनस इन्फिनिटी जाएगा तब ये ग्राफ ऊपर जाएगा इन्फिनिटी तक, तो मतलब डी जब माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तभी ये इन्फिनिटी जा पाएगा, लेकिन
ए सिक्स की वैल्यू हमें टू गिवन है, तो डी माइनस इंफिनिटी जा सकता है क्या? नो सर। नहीं, तो उस वजह से भी वहां पे डी की वैल्यू यही आने वाली 1.6, ठीक है। और अपने जो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्यों किया सर इस क्वेश्चन में? डिफरेंशिएशन करके क्या कह रहे हो? डिफरेंशिएशन करके वो पूछ रहा है डिफरेंशिएशन क्यों किया है। मैक्सिमा मिनिमा उसी से तो निकलता है, ठीक है। ठीक है, यस सर। ए टू ए थ्री यस सर यस सर There are n ams between 3 and 54 such that 8th mean and n minus 2th mean are in the ratio. तो देख लो यहाँ पे 3 and 54 के बीच में n ams को insert किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें 8th वाला mean मतलब क्या, उसको हम 3 प्लस 8 डी लिख सकते हैं, जो 8th पोजीशन पे आएगा उसका रेशियो n माइनस 2th मीन, तो क्या उसको हम 54 माइनस 3d लिख सकते हैं क्या? यस सर। क्योंकि 54 माइनस d मीन्स an, 54 माइनस 2d मीन्स an माइनस 1, 54 माइनस 3d मीन्स ये, n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/5, तो क्या यहां से d मिलेगा? एंड डी किसके इक्वल रहता है? 54 माइनस 3 अपॉन एन प्लस 1, तो उस डी को इसके साथ इक्वेट करके हमें एन मिल जाएगा, ठीक है। ए फोर ऐसे जीपी का क्वेश्चन दे दिया, बाद में कर लेना। ए फाइव यस यस सर ठीक है। ए फाइव में देख लो, पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स, लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन एनथ मिनट। तो फर्स्ट मिनट में उसने कितने काउंट किए? 150। सेकेंड मिनट में 150, थर्ड में 150 एंड ए टेन में 150, फिर उसके बाद ए टेन ए इलेवन आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस माइनस टू। उसके बाद 10 मिनट तक तो उसने 150 काउंट किए, उसके बाद उसने काउंटिंग कम कम करता गया, वो दो दो नोट्स की काउंटिंग कम कम होती गई हर एक मिनट में, ठीक है। मतलब एपी बन रही है कॉमन डिफरेंस माइनस टू के साथ। तो यहाँ पे बताओ 9th मिनट तक कितने नोट्स काउंट हुए होंगे? 9th मिनट तक 150। अबे 9th मिनट तक इन सबका सम आएगा ना, हर एक मिनट में 150 है, तो क्या ये 1350 आएंगे नोट्स? यस सर यस सर। 9th मिनट तक काउंट हो चुके हैं, 10th को अभी नहीं गिन रहे क्योंकि 10th वो एपी का पार्ट बन रहा है आगे, तो उसको उसी के साथ देखेंगे। तो 9th मिनट तक 1350 नोट्स काउंट हो चुके हैं, अब कितने नोट्स बचे हैं ये बताओ? 450 माइनस 1350 तो ये 0, 5 तो यहाँ पे आएगा 1 और ये 3, 3150 इतने नोट्स बचेंगे। अब इतने नोट्स आगे वो काउंट करेगा तो इसमें ये जो A10 A11 A12 ठीक है, A10th मिनट में इतने नोट्स, 11th मिनट में इतने नोट्स, 12th मिनट में इतने, तो 10th मिनट में 150, 11th मिनट में 148 है ना, एपी बनने वाली है कॉमन डिफरेंस माइनस टू, 12th मिनट में 146, ऐसे चलता जाएगा। एंड टोटल कब तक वो काउंट करेगा? जब तक इतने नोटों की काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, मतलब इनका अगर हम सम निकालेंगे तो वो सम कितना आना चाहिए? ये वाला 1350, तो 3150
टोटल नंबर ऑफ, अभी पता नहीं कितने मिनट तक वो काउंट करेगा, अभी आइडिया नहीं है, तो उसको एन ले लेते हैं। तो एन बाय टू, फर्स्ट टर्म इसकी है 150, 2 इंटू 150 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो क्या यहां से हम एन निकाल सकते हैं क्या? यस यस, तो एन निकाल लेना, एन एक बार मिल जाता है, वही तो चाहिए था। और जो भी एन आएगा उसमें ये 9 ऐड करना मत भूलना, क्योंकि ये जो मिनट हमने निकाले हैं ये तो 3150 नोट्स, इतने नोट्स काउंट करने के लिए निकाले हैं। यहाँ से जो भी एन आएगा वो इतने नोट्स काउंट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा या कितना टाइम लगेगा वो उसकी वैल्यू रहेगी। लेकिन हमें तो सारे नोट्स को अगर गिनना है तो इनको भी काउंट करना ही पड़ेगा, मतलब जो भी तुम आंसर निकालोगे उसमें 9 ऐड कर देना, ठीक है? यस सर। कोई डाउट इसमें? 9 क्यों ऐड करना? हाँ, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देन टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल द नोट्स। और यहाँ से जो ये एन निकालेंगे हम, ये एक तरीके से टाइम ही रहेगा, लेकिन कौन सा टाइम रहेगा? इतने नोट्स काउंट करने का, और हमें तो टोटल नोट्स काउंट करने हैं। तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं ना 9 मिनट में, तो इन 9 मिनट्स को भी तो गिनना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। चलो तो इतना था होमवर्क में, किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट रह गया किसी का? पार्ट टू ए वन में फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर सीज। अब कंजिक्यूटिव इंटीजर से तो डी कितना होगा? One. तो sum of 2p plus 1 terms. तो 2p plus 1 into first term इसकी p square plus 1 है. 2p plus 1 minus 1, क्योंकि इतने terms का sum करना है ना. इस minus 1 into common difference 1. तो ये 2p plus 1 upon 2. यहाँ पे ये 2 into p square plus 1. तो ये कितना आ जाएगा? 2p. तो ये देख लो, 2 कैंसिल आउट कर देना, तो ये 2p plus 1 into, अंदर में क्या है? p square plus p, 1 plus 2p, sorry, p square plus p plus 1, ये बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? यस सर। फिर और मैं कोई डाउट? चलो ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम एस इंफिनिटी तक पहुंचे थे। यस सर। यस सर। तीन फॉर्मूले हमने देख लिए थे, जीपी का मतलब जीपी की कॉमन टर्म क्या होती है, जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, एंड जीपी में अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें निकालना है तो उसके लिए पहले आर क्या होना चाहिए वो हमने देखा, एंड अगर वो आर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो सम का फॉर्मूला क्या आता है वो भी देख लिया। मतलब सबसे पहले हमने देखा टीएन, तो वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो। फिर उसके बाद एसएन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एंड देन एस इंफिनिटी, ये होगा ए अपॉन वन माइनस आर। लेकिन उसके लिए आर को कहाँ लाई करना पड़ेगा? माइनस वन टू वन के बीच में एक्सेप्ट जीरो, ये आर को वेरी इसके बीच में आर को लाई करना पड़ेगा, तभी एस इंफिनिटी की वैल्यू फाइनाइट आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्लियर है ये? यस सर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो ये फॉर्मूले।
तो लिखो क्वेश्चन अब. क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ या तो ऐसे पहले एस लिख लो क्वेश्चन में, एस पहले लिख लो, एस है 1 + 2/3 + 2/3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे सब तो चलता जाएगा. तो इसमें पहले पार्ट में फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स एंड सेकेंड में है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. ये दो चीज है. तो फॉर्मूले तुम्हारे सामने, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो क्या ये जीपी है, बताओ. यस यस सर. जीपी है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या, वो लिख लो एंड देन 30 टर्म्स का सम निकालो एंड इनफाइनाइट का. पहला कितने लोगों का आ गया, वैसे यहाँ पे लिख नहीं सकते हो, बस बता दो कितने लोगों का आ गया, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है. तो पहला थोड़ा बेकार है रिप्रेजेंट करना, ठीक है 7 लोगों का. और सेकंड तो चलो बता सकते हो, सेकंड का तो आसान आंसर है. हाँ सही है तन्वी, आर्यन सेकंड का सही है, आदित्य बाकी जनता जल्दी से सॉल्व करो. अरे उल्टा कैसे हो गया, अरे आर्यन पाठक माइनस थोड़ी आएगा वहां पे. अरे ये अबे ए की वैल्यू 1 है ना रे मानस, नींद में है क्या. सही है अर्चिता, योगिनी, वैभव, ओम, ओके चलो ठीक है. यहाँ पे देखो अब S इज इक्वल टू है 1 + 2/3 + 2/3 का स्क्वायर. तो यहां से हमें ये दिख जा रहा है कि ये GP है और उस GP की फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड कॉमन रेशियो क्या है
सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लो या थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर लो, 2/3 आ रहा है, कॉमन रेशियो है 2/3, ठीक है, कॉमन रेशियो 2/3 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसके फर्स्ट 30 टर्म्स का हमें सम चाहिए, मतलब एस 30 चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 2/3 की पावर में 30, यह आएगा माइनस 1 अपॉन 2/3 माइनस 1, अब एस 30, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2/3 की पावर में 30 माइनस 1 अपॉन माइनस 1/3 आएगा। अब एक काम करते, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो है, नीचे से माइनस है, तो वो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2/3 की पावर में 30, एंड ये जो 1/3 है इसका 3 ऊपर आ जाएगा, तो इनटू में मल्टीप्लिकेशन में ये 3 रहेगा। क्या यही आया था? यस ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड, सेकेंड बहुत आसान है, एस इंफिनिटी, पहले तो एस इंफिनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताओ। करेगा करेगा, क्योंकि जो आर है वो माइनस 1 to 1 के बीच में आता है ना, देखो दिख रहा है ये आर माइनस 1 to 1 के बीच में, तो वो एस इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा, और वो उसका फॉर्मूला क्या रहता, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, तो एस इंफिनिटी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ए 1 है, 1 माइनस 2/3 दैट इज 3, ठीक है, कोई डाउट इसमें? लिख लो जल्दी से। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो यहाँ पे। जल्दी लिखो। हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7, एंड nth term, and nth term is 448, and nth term is 448, and sum of first n terms, sum of first n terms is 889, sum of first n terms is 889, then find A50 of GP, मतलब 50 नंबर की टर्म निकालनी है GP की, फर्स्ट टर्म इज 7, nth टर्म इज 448, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 889, देन फाइंड 50 नंबर की टर्म, 50th टर्म A50।
जल्दी कैलकुलेट करो इसको। अरे जो पूछा वो बताओ, कॉमन रेशियो नहीं पूछा है मैंने। किसी का आ रहा है क्या? वन मिनट सर। सही है नितिन। हाँ सही है आर्यन। सही है तन्वी। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7 है, वो तो गिवन है। हमें बस अभी क्या करना है, A50 अगर चाहिए तो कॉमन रेशियो चाहिए होगा। कॉमन रेशियो आ गया तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बस कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाए, तो An हमें गिवन है। और An किसके इक्वल रहता है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर में N-1, दैट इज 448 किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म 7 इंटू आर की पावर में N-1 इसके इक्वल आएगा। तो 447 को जब डिवाइड करेंगे तो आर की पावर N-1 कितना आएगा, ये 64। ठीक है 64 आ रहा है। फिर उसके बाद SN क्या होता है, फर्स्ट टर्म A कॉमन रेशियो की पावर में N, ठीक है कॉमन रेशियो की पावर में N आ जाएगा, -1/R-1। तो ये कितना गिवन है यहाँ पे 889 टू ये A 7 आर की पावर N/R-1। तो ये कितना आएगा जब डिवाइड करेंगे, तो सेवन ठीक है, ये 127 आ जाएगा। तो देखो क्या हम यहाँ से R+1 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें मिलेगा R की पावर N-1 इज इक्वल टू 127 R-127। इस 1 को इधर भेज दो तो R की पावर N इज इक्वल टू 127 R-126, ये सेकेंड आ जाएगा। ठीक है अब देखो हमें R की पावर N-1 पता है 64, तो जब हम फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे या सेकेंड अपॉन फर्स्ट जब करेंगे तो हमें आर की पावर एन अपॉन की पावर N-1 इज इक्वल टू 127 R-126 अपॉन 64 मिलेगा। अब ये देखो इन दोनों का जो रेशियो है वो आर आता है, तो ये आर इंटू 64, तो 64 आर इज इक्वल टू 127 R-126।
तो यहाँ से जब r निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, r 2 मिल गया। अब उसके बाद कहानी खत्म। a 50 चाहिए था, फर्स्ट टर्म 7, कॉमन रेशियो 2 है तो 2 की पावर में 49, तो 7 इंटू 2 की पावर में 49 ये इसका आंसर है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? अगर मान लो पूछा जाएगा कि इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स भी आ जाएंगे। चलो लिख लो इसको, जल्दी करो। अभी पेंडिंग तो कुछ डिस्कशन अपना बाकी नहीं ना पीछे किसी मॉड्यूल का? ये नो सर, नो सर। और डीपीपी कितनी डिस्कस हो चुकी है? वो 13 तक हो गया। 13 13 तक 13 तक हुआ है। ओके, बी वाली मॉड्यूल की डीपीपी बढ़िया है, मतलब टफ है थोड़ी सी और अच्छे क्वेश्चन से उसमें बी वाले मॉड्यूल में। ये तो हम जल्दी जैसे ही सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा, ये मॉड्यूल तो खत्म है, फिर उसके बाद ट्रिगो के डीपीपी उधर है, बी में है। हो गया ये वाला पेज? यस सर। जल्दी से लिख लो। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप कैसे है? कौन सी स्टेप? सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट ये वाली? हाँ सर। अब ये देखो r की पावर n अपॉन r की पावर n माइनस 1, जब तुम ये डिवीजन करोगे ये ऊपर जाएगा, ये आएगा। अब इनकी पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहे तो r की पावर 1 बचेगा। अरे सुनना, कौन है माइक ऑन करके? कौन है ये? अरे इधर क्या बस चालू कर दिया और उधर बातें चल रही है क्या? ये क्लियर है जिसका भी डाउट था? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट एस इज इक्वल टू ए 6 + 66 + 666 अप टू एन टर्म्स, इसको इवैल्यूएट करना है।
अप टू एन टर्म्स। तो ये बताओ क्या ये अभी जीपी है? नो सर। नो सर। अभी जीपी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये डिजिट्स ऐसे रिपीट हो रहे, जैसे 666, 666, ऐसे 333, 333, ऐसा अगर कुछ आ रहा है तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो इसमें एक काम करो, 6 को बाहर ले लो तो अंदर में 1 + 11 + 11, 111 ये बचा रहेगा। फिर उसके बाद एक काम करो, इसको 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से डिवाइड एंड अंदर 9 लेके जाओ, तो ये 999, ठीक है। अब ये देखो जीपी में हम इसको लिख सकते हैं, ये 6/9 तो 2/3। अब ये बताओ इस 9 को हम क्या 10-1 लिख सकते हैं? Yes. Yes, sir. इस 99 को 10²-1, 10³-1, बोलो ऐसे लिख सकते हैं इनको? Yes, sir. 99 को 10²-1, 999 को 10³-1, तो देख लो ये 10, 10² 10³, क्या जीपी बन रही है क्या? Yes. तो ऐसे ही अगर nth टर्म तक जाएंगे तो 10 की पावर कितना आएगा? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है तो 10^1, सेकेंड टर्म है तो 10², थर्ड टर्म है तो 10³, तो nth टर्म में 10^10। एंड ये 1 कितनी बार माइनस होगा? n टाइम्स, तो n टाइम्स माइनस होगा तो वो माइनस n बन जाएगा, तो हमें मिलेगा ये 10 + 10² 10³ अप टू 10^n, एंड ये जो 1 था वो n बार माइनस हो रहा है तो सो ऐड होके माइनस n बन जाएगा। अब इस जीपी का सम तो हमें आता ही है, जीपी बन रही है ना, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10 है, एंड इसका जो सम है 10 × कॉमन रेशियो 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, 10^(n-1)/10-1)(n), तो ये उसका सम है। क्लियर? यस सर। तो कैसे निकालना है ऐसे सीरीज का सम? क्लियर? स्टार्टिंग में तो चलो नहीं दिख रही है जीपी, लेकिन जब हम इसमें से 6 को बाहर लेंगे, 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जीपी दिख जाएगी, एंड फिर जीपी का फॉर्मूला लगा के सम आ जाएगा। तो लिखो जल्दी से सर, 9 से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया? क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे ही वो जीपी बन सकती है, ठीक है, और किसी से वो जीपी नहीं बनेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जैसे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, थ्री डिजिट, उनमें सेम डिजिट प्रेजेंट रहे, जैसे कि ये 666 है या तो 333, 333, इनका हमें अगर सम चाहिए तो अभी तो ये जीपी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी डिजिट यहाँ पे दिख रहा हमें उसको हम बाहर ले लेंगे, तो 6 को बाहर ले लेंगे, अंदर में ये बन गया, 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो उस 9 को अंदर लेके चले गए, डिवीजन वाले 9 को यहाँ पे रख। अब ये जो 9 है उसको हम 10-1 लिख सकते हैं, 99 को 10² - 1, 999 को 10³-1, तो ऐसे ही हमें n टर्म्स तक ही जाना है। तो फर्स्ट टर्म अगर है तो उसमें 10 आ रहा है, सेकेंड टर्म है तो 10², थर्ड टर्म है तो 10³, ऐसे nth टर्म है तो 10^n, तो एक जीपी बन रही है यहाँ पे 10, 10² 10³, तो उसको एक साथ रखा, -1 - 1 - 1, n बार माइनस होगा तो उसको सेपरेटली दे दिया यहाँ पे। अब इसका सम निकाल लिया, आंसर है, ठीक है? यस सर। देखो तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। सर नेक्स्ट, ये वाला हो गया? यस सर। यस सर। लिखो
लिखो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया सर, ऐसा क्वेश्चन है तो हर बार 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया तो 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, पहले वो जो डिजिट वहां पे रिपीट हो रहा है उसको कॉमन लेंगे, उसके बाद। ठीक है। यस सर। तो चलो निकालो, तुम इसका सम निकालो। तो फाइंड द सम ऑफ या इवैल्यूएट 3 + 33 + 333 जल्दी से अप टू एन टर्म्स। हो गया। यस सर। वहां पे 6 की जगह पे 3 है, प्लेस इज इक्वल टू 3 को बाहर ले लिया, 1 + 11 + 111 फिर उसके बाद 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, 9 + 99 + 999 ये 1/3। इसका जब इसको 9 को जब लिखेंगे तो 10 - 1 10² - 1 10³ - 1 ऐसे nth वाले में 10^(n-1) टू n टर्म्स तक जाना था, तो s इज इक्वल टू 1/3। जीपी जो बन रही है उसको सेपरेट कर लिया, एंड जो माइनस वन आ रहा है वो n बार आएगा तो माइनस n बन जाएगा, वो ये 1/3। जो सम है 10 × 10^(n-1) / 10-1 ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x + p = 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 4x + q = 0। गामा डेल्टा इसके रूट्स है। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, देन फाइंड पी एंड क्यू, ब्रैकेट में लिख लेना वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, where p and q belongs to integer.
ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसमें भी देखा एपी में, yes, sir. है ना, वहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपी में थे, यहाँ पे वो जीपी में है, तो वहां पे हमने उनको लिया था ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, यहाँ पे क्या लेंगे, क्या लेंगे बताओ, ए आर स्क्वेर ए आर क्यूब ये लेंगे, सही है नितिन, दूसरा भी निकालो जल्दी, बाकी लोग जल्दी करो, आसान है वैसे, इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा टफ। करण बताओ जल्दी से आंसर, सो रहे हो करण? नहीं सर। जल्दी से निकालो आंसर बताओ, हाँ सही है प्रमुख, संयुजा बताओ जल्दी से आंसर इसका, सही है नितिन, नहीं आ रहा है क्या? आसान है ये बहुत, हाँ सही है करण, कि तुमने सॉल्व किया या करीना ने बताया है तुम्हें, बोलो तुमने ही सॉल्व किया ना? यस सर। कल तो झूठ पकड़े गए तुम्हारे सारे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, चलो ठीक है, तो देख लो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जीपी में है, तो इनको हम लेंगे ए ए आर, हाँ ये जीपी में थे तो इनकी जगह पे ए ए आर, थोड़ा अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है तो इनकी जगह पे ए ए आर ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब ये ले सकते हैं। हाँ उसके बाद पहले इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा वन, इसका मतलब ए प्लस ए आर इज इक्वल टू वन आ जाएगा, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा पी मीन्स ए स्क्वेयर इंटू आर इज इक्वल टू पी आ जाएगा, फिर दूसरे इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स बताओ गामा प्लस डेल्टा 4, तो यहां से ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4, ये थर्ड हो जाएगा,
एंड गामा इंटू डेल्टा ये रहेगा क्यू, मीन्स ए स्क्वेयर इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू, ये 4। अब हमें ए एन आर की वैल्यू चाहिए होगी तब जाके हमें ये पी एन क्यू मिलेंगे। तो देखो ये फर्स्ट एंड थर्ड को जब हम देखते हैं तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन हमारे पास है ए एन आर में, तो हम एक काम करते हैं अब सेकेंड या थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं। तो थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो यहाँ से ए आर स्क्वेयर बाहर थर्ड में से एंड अंदर में 1 प्लस आर, यहाँ से ए बाहर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो अगर आर प्लस 2 है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी 1/3। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं इफ आर इज इक्वल टू 2 तो जो ए की वैल्यू है वो 1/3 है, तो उस केस में जो पी आएगा वो क्या रहेगा ए स्क्वेयर 1/9 इंटू आर 2। लेकिन पी तो इंटीजर है, बट पी इज इंटीजर तो क्या ये पॉसिबल होगा क्या? नो सर, देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगले इस अगले वाले के ऊपर जाना पड़ेगा, इफ आर इज इक्वल टू -2 तो ये कितना आएगा -1। ए माइनस वन आ जाएगा तो यहाँ से पी कितना मिलेगा -2 एंड क्यू कितना मिलेगा -32। मतलब इसमें पुट कर देंगे, अब ए हमें -1 मिल चुका है, आर हमें -2 मिल चुका है, और दोनों के लिए देखो पी इंटीजर आ रहा है, अब क्यू भी इंटीजर आ रहा है, तो इसको तो हम रखेंगे। लेकिन जब हमने आर को 2 लिया तो ए 1/3 तो पी इंटीजर नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से वो हमें कैंसल आउट करना पड़ा, उसको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये आंसर है, ये पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू, कितने लोगों का आ गया था ये सर? हाँ बोलो सर, पी की वैल्यू प्लस 2 आएगी ना? हाँ पी की वैल्यू प्लस 2 आएगी ना? नहीं, p की वैल्यू तो -2 आएगी ना, ये है ना रे a स्क्वायर इनटू r है -1 का स्क्वायर, a 1 हो जाएगा ना? हाँ a 1 और r तो -2 है ना। ठीक है, यस सर, तो लिखो इसको, ये वाला पेज बाकी है किसी का? जैसे इसमें तो टर्म्स ही आ जाएंगे, ये लिख लो जल्दी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, नेक्स्ट स्लाइड दिखा सर। हाँ ठीक है, ये रेडी, कल इसके और क्वेश्चंस करेंगे हम, कल एपी एंड जीपी के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यस सर कल, मतलब कल तो नहीं शायद अपनी, है ना, कल है या नहीं है? नहीं है, किसी और दिन है, उस दिन कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया? यस सर चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर एंड होमवर्क, होमवर्क में डीपीपी A14 ये सॉल्व कर लेना, डीपीपी A14। ठीक है, यस सर, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डीपीपी A14। चलो ठीक है, बाय सर, थैंक यू, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू।